जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सूर्या और स्वागत है आपका सीजी कॉन्सेप्ट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी, श्रम विभाग से जो वैकेंसी निकली है जिसका आवेदन 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 12 मई से, और इसकी अंतिम तिथि है आवेदन डालने की 29 तारीख। याद रखिएगा 12 से 29, और इसका एग्ज़ाम डेट है 18 जून। 18 जून को 10 से 1 बजे के बीच आपका क्या होगा, पेपर होगा। 3 घंटे की पेपर होगी जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन डे एग्ज़ाम है। तो जो अब हम लोग सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, अब ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम के त्यौहार आने स्टार्ट हो गए हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब केवल 3-4 महीना ये मान के चलिए कि केवल आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। हम लोग समझते हैं कि श्रम विभाग से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ों को रखा गया है, वो 150 नंबर कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, ये जितनी भी आपके मन में दुविधा आ रही है कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, इसको मैं थोड़ी मिनट की वीडियो में ही मैं आपको डील करने वाला हूँ। जो कॉमन सेक्शन था जीएस का, पहले वहाँ से 40 क्वेश्चन आते थे और छत्तीसगढ़ के कुछ 40 क्वेश्चन आते थे, तो 80 नंबर का पोर्शन था। लेकिन अभी कुछ सिलेबस चेंज किया गया है, तो उसको देखते हैं कौन सा सिलेबस चेंज किया, सिलेबस में किस चीज़ को नया डाला गया है। तो बेसिक जो चीज़ थी जिसमें कोई बदलाव नहीं हो उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो जो बदलाव नहीं किया गया वो पोर्शन है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर 20 नंबर का पहले भी पूछना था, इस बार भी पूछेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं योग्यता परीक्षण के बारे में, तो योग्यता परीक्षण में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। योग्यता परीक्षण से आपको ये समझना है कि इसमें 4-5 चीज़ें शामिल है, 5 चीज़ें शामिल है। इसमें पहला शामिल है आपका रीजनिंग, दूसरा शामिल है आपका मैथ, तीसरा शामिल है इसमें हिंदी, चौथा है इंग्लिश, और पांचवा है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, इन सबको मैं एवरेज लेके चलूँ तो 10-10 नंबर का पूछना है। एवरेज लेके चले तो 10-10 नंबर पूछेगा, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की छत्तीसगढ़ी बोली भाषा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका योग्यता परीक्षा में। 20 नंबर जो व्यापम हमेशा पूछता है कंप्यूटर में, वो सामान्य ज्ञान से लेकर इंटरनेट तक की जो कहानी है ये 20 नंबर कंप्यूटर में पूछेगा। सामान्य अध्ययन के बारे में आपको बात करते हैं। सामान्य अध्ययन में लास्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 48-49 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से थे और लगभग 30-32 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से थे। अब इस बार क्या होना है, इस बार ऐसा होना है कि मान के चलिए कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के बीच जीएस से आ सकता है, एक इंडियन जीएस से 30 से 35 क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन रहेगा, जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन रहेगा इसमें मान के चलिए कि इसमें लगभग इसमें 30 से 35 इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 30 से 35 इसके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर जीएस का क्वेश्चन 35 पूछेगा तो छत्तीसगढ़ क्वेश्चन 30 पूछेगा। ठीक है, तो ये एवरेज लेके चलते हैं। तो 65 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और योग्यता परीक्षण से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मैथ, इंजीनियरिंग, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा शामिल है। इसके अलावा सबसे आईएमपी जो पहले जो 80 नंबर का था, इसे अब 15 नंबर इसमें घटाकर 15 नंबर का एक नया सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, ये है श्रम विभाग से संबंधित जानकारी। और सबके मन में ये आ रहा है कि श्रम विभाग से संबंधित जानकारी में हमको पढ़ना क्या क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो लाया गया है कि श्रम विभाग से संबंधित जानकारी में हमको पढ़ना है। एक्चुअल पढ़ना है हमको पहला चीज़ श्रम विभाग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। श्रम विभाग के साइट में जाकर हम इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ टॉपिक को मैं डील करूं, इसके लिए आप क्या कहते हैं इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और जिन लोगों तक ऑफलाइन की क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है, जो ऑनलाइन के भरोसे रहते हैं, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि श्रम विभाग से संबंधित जानकारी में क्या क्या पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है हमको श्रम विधियों का इतिहास, कि जो श्रम का कानून है उनका इतिहास क्या है, कि श्रम कानून जो है बना कब से है, कब कब लागू हुआ, कब कब इसमें संशोधन हुआ, वर्तमान में कौन कौन से कानून श्रम के अंतर्गत चल रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेबर कानून की बात करूंगा, श्रम कानून की बात करूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो पहले जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, जो किसी के यहाँ काम करते थे, उनका कोई टाइम टेबल नहीं था। तो एक कानून लाया गया भैया कि हमको 8
घंटे ही काम करने हैं और 8 घंटे के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। अगर आप उससे अधिक काम करवाते हैं तो आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाया है। तो ये सब कानून लाए गए हैं। भारतीय संविधान में श्रम संबंधित प्रावधान क्या है, भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं जो श्रम को, श्रम विभाग, श्रम से संबंधित कानून को और अच्छा बनाया है। महिला बच्चों बंधक हेतु श्रमिक कानून क्या है कि महिला के हेतु, महिला हेतु, बच्चों के हेतु और जो बंधक होते हैं उनके लिए श्रमिक कानून क्या क्या बनाए गए हैं। श्रमिकों की मजदूरी संबंधित कानून, उनको मजदूरी कितना देना है, ठीक है, इससे संबंधित जो कानून है, वेतन अधिनियम इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में जो छत्तीसगढ़ में श्रमिक से संबंधित जो योजनाएं हैं, श्रमिक को लेकर जो उसके हित के लिए योजनाएं हैं, इसको आपके इसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक तो नहीं कह सकता क्योंकि हमको पहली बार पढ़ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। आप लोग जो जो चीज़ें तैयारी कर चुके हैं उसकी उसको है, उसमें आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछेंगे, वो पढ़ते रहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जीएस को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सामान्य जो योग्यता परीक्षण है ये तो आएगा ही आएगा आपका, इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी जो ये चीज़ें हैं जैसे 15 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस पोर्शन से आपने क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लिया तो सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और क्या कहते हैं, इस श्रम विधियों से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, ये जो 5 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके मैं धीरे धीरे वीडियो क्या कहते हैं कंटेंट जितने भी हो सके मुझे मिलते जाएंगे, मैं उसे आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। आज के लिए आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि लेबर इंस्पेक्टर में जो कंप्यूटर क्लास है इसको भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो श्रम संबंधित जो कानून है, जानकारियां हैं, इनको भी हम डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।